हेलो गाइस, कैसे हो? तो दोस्तों, पहला तो आपको बता दिया ये व्यूड में शॉर्ट वीडियो में दोस्तों, दूसरा आपको स्क्रीनशॉट पर लगा कर दिखा रहा हूँ, क्योंकि दुबई सरकार यूएई सरकार ने दोस्तों ईद के मौके पे दोस्तों 600 दिरहम पेंशन के तौर पे देने का ऐलान किया है। प्रॉपर एक्सप्लेन करने वाला हूँ, अगर इसकी ज़्यादा जानकारी है दोस्तों मैं शॉर्ट में बताऊँगा, क्योंकि लंबा वीडियो हो जाएगा। आप जाके खलीफ टाइम्स के वेबसाइट पर पढ़ सकते हो, न्यूज़ पर पढ़ सकते हो। तो स्क्रीनशॉट पर लगा कर जैसे मैं दिखाया और आप भी दिखा रहा हूँ दोस्तों, आप भी, क्योंकि कोई भी हम यहाँ पे न्यूज़ बनाते हैं दोस्तों फैक्ट के साथ। तो दोस्तों, ये जो पहला जो अपडेट है उसके बारे में पहले आपको बात करने वाला हूँ कि बहुत जगह पे अभी अबू धाबी पुलिस और अबू धाबी CID या यहाँ का UAE का जो भी है, यहाँ का जो लोकल लोग हैं, वो वहाँ पे जा के दोस्तों बहुत सारे रेस्टोरेंट में जहाँ पे रमज़ान का अफ्तारी वगैरह बनता है वहाँ पे अभी फूड चेकिंग कर रहा है। और बहुत सारे जो भी रेस्टोरेंट वाले हैं वो लोग एकदम सतर्क हो गए हैं, क्योंकि वो लोगों को सामान ऐसे नहीं कि कल का सामान आज दो, आज का सामान परसों दो, ऐसे नहीं, ताज़ा होना चाहिए। एक दिन एक बार तेल यूज किया हुआ दूसरे बार यूज किया नहीं करना है, नहीं तो ये जो भी होटल वाले लोग हैं रेस्टोरेंट वाले को, उन लोग को दोस्तों ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा और उसको बंद किया जाएगा। तो एक होटल डिपार्टमेंट में एक मतलब एक अलग माहौल बना हुआ है, क्योंकि गवर्नमेंट खुद अपने ये से सोशल मीडिया से दोस्तों इसे शेयर किया और बताया सारे रेस्टोरेंट वाले को कि आप लोग ये सब गलती ना करना। तो रमज़ान के दिनों में बेसिकली दोस्तों जो भी रेस्टोरेंट वगैरह चलाते हैं उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर है कि वो जो गवर्नमेंट का गाइडलाइंस है उसको फॉलो करो और कोई भी अनलीगल चीज़ ना करना, क्योंकि खुद यहाँ के लोकल लोग और CID लोग जाकर बहुत सारे रेस्टोरेंट में चेक करना स्टार्ट किया है। और दूसरा जो अपडेट है दोस्तों, जैसा मैं स्क्रीनशॉट पर लगा कर दिखाया कि दोस्तों यहाँ के लोकल लोगों के लिए, यहाँ पे दोस्तों प्रवासी के लिए नहीं दोस्तों, यहाँ पे लोकल लोगों के लिए जो ज़्यादा एज, जैसे इंडिया में कैसे वृद्धा पेंशन होता है या फिर जो पेंशन जो यहाँ पे ज़्यादा एज हो जाता है उनको पेंशन मिलता है, तो UAE सरकार ने भी दोस्तों इस साल से 2023 से ईद के मौके पर इसे लागू करने का ऐलान किया है दोस्तों, और 600 दिरहम देने का ऐलान किया है। तो आई होप दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि शायद वर्कर के लिए भी ये सब सुविधा हो जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि दोस्तों वर्कर भी कोई वर्कर यहाँ भी 20 साल 25 साल 30 साल गुजार लेते हैं, उनको कुछ मिलता नहीं है। बट दोस्तों यहाँ के लोकल लोगों के लिए ये था अपडेट था, मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि देखिए हर जगह का गवर्नमेंट लगभग सेम है। इंडिया में भी बहुत सारे लोगों को पेंशन मिलता है तो वहाँ के हिसाब से, मतलब 1000 महीना, यहाँ 600 दिरहम मिल रहा है दोस्तों, तो यहाँ के हिसाब से मिल रहा है लगभग इंडिया में 12-13 हज़ार रुपये हो गया। तो आई होप, उम्मीद करता हूँ कि आने वाला दिनों में शायद UAE सरकार कुछ वर्कर के लिए भी ऐसा कुछ अपडेट जारी करे ताकि हम लोगों को कुछ खुशी। आप कितना सहमत है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ, जब तक जय हिंद।